यस, गुड मॉर्निंग 9th B। लिसन बच्चे, आप आज स्टोरी करनी है। बुक है वनगी, ठीक है? वनगी बुक है। स्टोरी का नाम है सांची कंद। लिखी किन्ने है? संतोख सिंह पीर ने, ठीक है? सो कहानीकार का नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए है। ओके, पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 88, नवी दे अकॉर्डिंगली 53, ठीक है? सो पहला आपा कहानीकार बारे पढ़ते हाँ। कहानीकार बारे पढ़न तो पहला तुसी मैनूं इह दसो भी सांझी दा मतलब की है ते कंध दा मतलब की है। ठीक है, यस अश्मित, वेट। हाँ जी अश्मित, दो परिवार दोबारा बोलियो। मैम, एक घर में दो हाँ परिवार। जी, एक घर विच दो दीवारां। ओके, सांझी कंध, ठीक है? इक्को जही कंध इधर ते उधर आर पर, राइट? कंध मतलब दीवार। ओके, सो इस कहानी दे विच ना एक मतलब दो भरावां दी गल कीती गई है, ठीक है? कजन्स ने, सखे भरा नहीं है, राइट? एक दा नाम है कपूर सिंह ते एक दा नाम है दरबारा। ओके, उन्हां दी आपस विच पहला काफी ज्यादा सांझ सी, एक दूसरे नाल बहुत मतलब अपने दुख सुख सांझे करदे सन, पर हौली हौली करके एक भरा दूसरे लोकां दे कहने विच आ गया। उन्हें अपने दिमाग नाल कोई भी काम नहीं लिया, ठीक है? ते उन्हां विच फुट पै गई, मतलब वो अलग हो गए, ते उन्हें कर करा के कंध विचे कर ली, ठीक है? मतलब उन्हें डिवाइड कर दिते घर अपने, राइट? फिर उन्हों एंड ते जाके एहसास होया, जदों उहदा वड्डा भरा बीमार हो गया, उन्हें लगा कि मैं लोगों दिया गल्लां विच क्यों आया, मैं अपने दिमाग तो काम क्यों नहीं लिता। फिर उन्हें की किया, वो दीवार का जोड़ा फासला सी उन्हों हटा दिता, ठीक है? मतलब ये विच यही दस्या होया है कि जोड़े समाजिक रिश्ते ने उन्हां विच कदे भी फिक नहीं पैनी चाहिए, कभी दूरियां नहीं आनियां चाहिए, और जे आपस विच तुहाडा मन मुटाव हो जाता उन्हों इकट्ठे बह के सुलझाओ, ना कि किसी तीसरे परसन तो सलाह लो। रियलिटी दे विच भी तो यही हुंदा है। रियलिटी च भी मान लो कि तुसी दो फ्रेंड्स हो, दोनों दे विच कुछ हो गया, तीसरे ने आके होर ज्यादा तीली ला देनी है ना, मतलब थानू होर ज्यादा भड़का देना। इस तो चंगा है कि तुसी आपस विच ही सुलह सफाई करो, अपने जिन्नी भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ उन्हां नू सुलझाओ, क्लियर है? सो ये विच यही ज्यादा मैसेज दिता गया है संतोख सिंह धीर द्वारा। ओके, सो पहला देखो लेखक बारे, इनू आपां वैसे क्वेश्चंस भी करांगे, ठीक है? संतोख सिंह तीर दा जन्म, तीर दा जन्म उन्हां दे नानके बसी पठाना जिला फतेहगढ़ साहिब विखे 2 दिसंबर 1920 ईस्वी नूं माता श्रीमती यमुना देवी, पिता श्री ईश्वर सिंह दे घर होया, ठीक है? उन्हां दा जद्दी पिंड डढ़ेड़ी जिला लुधियाना है। उन्हां ने 10वीं अते ग्यानी तक पढ़ाई की, ग्यानी मतलब अगे 10th तो बाद हुंदी सीगी। कुछ चिर स्कूल अध्यापक वजो सेवा निभाई, पर उन्होंने अपने जीवन का समा अंत तक सुतंत्र लेखन नू ही समर्पित किया। सुतंत्र लेखन मतलब इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट लिखते सिगे, मतलब उन्होंने अलग अलग स्टोरी सिगियां, ठीक है? कवि ते कहानीकार वजो श्री धीर नू पंजाबी साहित्य इतिहास विच इक्को जिन्ना सम्मान हासिल है, क्योंकि वह सारी जिंदगी प्रगतिवादी सोच नू प्रणाया रहा। प्रगतिवादी सोच मतलब प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, ठीक है? उस दे प्रमुख काव्य संग्रह पहु फुटाला, धरती मंगदी मीह वे, पतझड़े पुराने, बिरहड़े अग दे पत्ते, संजीवनी, आउण वाला सूरज, कोदरे दा गीत आदि हन। उसके नावल यादगार, मैनू एक सुपना आया, नवा जन्म, शराबी आदि हन। मेरी कलम, बृहस्पति, मेरी इंग्लैंड यात्रा, कबीर रचनावली, होर जिक्र योग रचनावां हन, ठीक है? ये उहदियां सारियां बुक्स दे नाम ने। कहानी खेत्र विच उहनां दी प्रसिद्धि, उहनां दे कहानी संग्रह, सिट्टियां दी छां, सवेर होण तक, सांझी कंध, शराब दा गिलास, उषा भैण जी चुप हन, पक्षी आदि नाल हुई। पक्षी कहानी संग्रह नूं 1996 ईस्वी विच साहित्य अकादमी दिल्ली वालों पुरस्कार प्राप्त होया। भाषा विभाग पंजाब ने आप नूं श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार पुरस्कार नाल सन्मानित किया।
आप नू किन्ने सारे होर भी सन्मान मिले। सांची कंध सवेर होण तक कोई एक सवार मेरा उजड़िया गवांडी ते मंगो उन्हां दीआं शाहकार कहानियां हन। शाहकार मतलब बहुत फेमस बहुत वड्डियां। श्री धीर दीआं रचनावां विच प्रगतिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण बड़े ही संतुलित ढंग नाल पेश कीता गया है। इहदा मतलब की है? यथार्थवादी मतलब यथार्थवादी यथार्थ की हुंदा है? Anyone, all my students, यथार्थ सच असलियत, ठीक है। मतलब एक पासे प्रोग्रेसिव सोच सी उन्हां दी, मॉडर्न सीगी, मॉडर्न होंदे हुए सच, ठीक है। एक तां हुंदा ना कि मॉडर्न हो गए तां कई वारी साडियां स्टोरीज फेक हुंदियां ने, सच नहीं हुंदा उहदे विच, बट इन्हां दीआं मॉडर्न भी सी और ते सच भी सी, संतुलित बैलेंस सीगा, ठीक है, बैलेंस्ड सीगियां, राइट। इस बहुपक्षी लेखक ने जिथे अपनी जीवनी विच बहुपक्षी मतलब अलग अलग फील्ड विच, चाहे वह कहानी है, स्वै जीवनी है, ठीक है, मनुखी विरोधी ताकतों खिलाफ एक निरंतर संग्राम लड़िया। एदा मतलब की है? मनुखी विरोधी ताकतों खिलाफ, ठीक है, जिस तरह मान लो कि कोई गलत काम हो रहा है जेदे विच अमीर गरीब दा थोड़ा अंतर है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ओना दे विरुद्ध इन्होंने निरंतर संग्राम लड़िया। संग्राम मतलब लड़ाई, कॉन्टीन्यूअसली लड़ते रहे। उत्थे उन्हां दी रचनावां हक सच लई नरोई प्रेरणा दिंदियां हन, मतलब यह इंस्पीरेशन मिलती है इन्हां दीआं कहानियां तो हक लई ते सच लई लड़न दी, ठीक है। इस संघर्षशील लेखक ने तंगियां तुरशियां औकड़ा ते मानसिक संकटा दा डट के मुकाबला किया। हथली पाठ पुस्तक विच धीर दी कहानी सांझी कंध शामिल की गई है, मतलब हथली मतलब ए दे विच, ठीक है। सो स्टोरी टफ वर्ड्स नू अंडरलाइन कर लियो। ए फिलहाल दो करैक्टर ने, जिदा जिदा करैक्टर आते जाएंगे पात्र, ठीक है, उस आप करते रहेंगे। पहला है कपूर सिंह, दूसरा है दरबारा, ठीक है। अठ महीने की खज्जल खुआरी मगरों जद कपूर सिंह बेचारा मसी घर बनाउण दी कुजत विच होया तां रेड़का सांची कंध उत्ते पै गया। यस अश्मित, मैम एग्जाम में लेखक के बारे में क्या कह सकता है कोई भी चैप्टर के? पूछा जा सकता है बेटा, ताई मैं थोनू नाल-नाल करवा रही हां, ठीक है, क्योंकि आने थानू एमसीक्यूज ही ने, तो एमसीक्यूज दे विच थानू बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोरली हर एक चीज नू रीड करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं हुण स्टोरी करवा रही हां इहदी कल्ली कल्ली लाइन नू समझो, ठीक है। सब्जेक्टिव विच तां तुसीं थोड़ा बहुत अपने वालों लिख सकते हो, पर इहदे विच गैस नहीं चलने। सो किन्ने महीने की खज्जल खुआरी? अठ महीने की खज्जल खुआरी मतलब परेशानी। जदो कपूर सिंह विचारा मसी घर बनाउण दी पुज्जत विच होया, पुज्जत मतलब शुरुआत कीती उन्ने, स्टार्टिंग कीती, तां रेड़का, रेड़का मतलब एक बैरियर, एक औकड़ सामने आई, केड़ी सी? सांझी कंध, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। अठ महीने ते रेड़का या मुसीबत केड़ी सी? सांझी कंध। ਇਹ ਕੰਧ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਢਹਿ ਗਿਆ? ਢਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਖੰਡ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵੀ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਖੰਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਕਮਜ਼ੋਰ। ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਮਤਲਬ
परिवार, ठीक है। पहला वो मकान वास्ते कर्जे लिए जिले के दफ्तर धक्के खांदा, इन अंडरलाइन कर लो, कर्जे लिए कितने कितने धक्के खांदा सी, जिले के दफ्तर उत्थे वजीरां दीयां सिफारशां चलदियां सन, अंडरलाइन इट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हार के उन्हों 10 बिघे पो बै करनी पई, मतलब अल्टीमेटली उन्हों किन्नी जमीन लैनी पई, 10 बिघे, 10 बिघे, ठीक है। जिस तरह मरले हुंदे ने ना, किले हुंदे ने, ऐसे तरह ही 10 बिघे हुंदे ने, पो मतलब जमीन, बै करनी पई, लैनी पई, गुड, खरीदनी पई, मतलब उन्हों ना चाहते हुए भी वो लैनी पई, क्योंकि तब बहुत ज्यादा वो गरीब सी। किन्ना कु चिर बगाने घर टब्बर रुलदा रहे, इट्टा सुटा लिया, सीमेंट का भी बंदोबस्त बन गया, पर जद तक दरबारे नाल गल ना खोली जाए काम किवें शुरू हो सकता सी, मतलब हुण उहदी भी तो एक तरह नाल उहने परमिशन लैनी सी ना। सामने गली सी, किसी का रौला नहीं, सज्जे पासे की कंध चाची राम कौर नाल सांझी सी। एक होर करैक्टर आ गया राम कौर, ये की है चाची, कपूर सिंह दे नाल ही दरबारे दे घर दा भी कुछ हिस्सा डिग पिया सी, इन भी अंडरलाइन कर लो, कपूर सिंह दे नाल होर केदा घर डिग पिया, दरबारे दा, जिस तो वो आप तंग सी ते उनु आप कंध दी लोड़ सी, पिछले पासे चन्नड़ सिंह चीनीए दी आबादी सी। एक होर करैक्टर चन्नड़ सिंह चीनीए, जिहड़े जिहड़े नाम आ रहे ने उहनां नूं लिखी जाओ जिथे थोड़ी बुक की थानू स्पेस मिल रही है, ठीक है, क्योंकि कई बार अंडरलाइन तुसी काफी कुछ किया हुंदा नहीं मिलता, ठीक है। कदे ना कदे ओदे भी दो खण आबादी विच छतने सन, उन्हें भी दो खण मतलब ओदी थोड़ी जी जमीन सी, उन्हें भी इस आबादी जिथे पॉपुलेशन सी उथे उन्हें छतने सन, छतने मतलब छत पौनी सी, गुड। इसलिए उन्हें शतीर धरन वेले अद देना मन लिया सी, शतीर धरन वेले मतलब शतीर जदों कपूर सिंह ने कंध पानी सी ना, ओदे विचों दी उन्हें भी थोड़ा जिहा अपना हिस्सा दे दिता, मतलब छत पाण लई, ठीक है, उन्हें मन लिया क्योंकि उन्हों भी जरूरत सी। झगड़ा सी तां दरबारे वाली खब्बी बाही दा, ਇਹ ਝਗੜਾ ਥੋੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਝਗੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਬਾਹੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੁੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਧ ਵਡਾਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਡਾਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੱਗਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ, ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ। ਉਂਝ ਵੀ ਥੋਥੜ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੀ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋਥੜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਰ ਪਾਰ ਕਈ ਮੋਰੀਆਂ, ਮੋਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਲਸ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਤ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਤੀਰ ਸ਼ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਮਟ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੇ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਜਿਹੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨਾ ਜਿਹਾ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਹਾਂ ਸਟਿਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
वुड जी होंगी है वह पतली जी होंगी आप कहने शतीर छत ओदी पाई जाती है तो वह भी चुकी हुई सी। लोड असल विच दरबारी नू भी कंध दी सी जिन्नी कपूर सिंह नू। नवी कंध माड़ी भी किसनू रहिंदी है पर बहाने ले एक लेखे ओनू यह कंध बिना सरदा भी सी। ठीक है मतलब कपूर सिंह का कंध तो बिना सरदा पिया सी केदा सर रहा सी दरबारे दा ओदे कोल दो घर सन अंडरलाइन कर लो दो घर केदे कोल सन दरबारे कोल। इस पुराने कोठे विच ता ओदा कखा कंडा ते डंगर बच्छा हुंदा सी। कखा कंडा मतलब पशुआं नू पाण वाले जड़े भी पट्ठे वगैरा आप ओहो इस तो अगले घर विच रहंदे सन। एक घर विच की सीगा ओदे जानवर वगैरा पशु वगैरा सन ते दूसरे घर विच ओ ते ओदी फैमिली रहंदी सी। ठीक है जिसकी हालत बहुत चंगी सी ते जो ओना दे गुजारे लई काफी सी। पर कपूर सिंह नूं तां कंध बनाए बिना किसे तरह का भी नहीं सी सरदा। नवें घर उत्ते उसने नवें सिरों पैसा लाउणा होवे नवें सिरों मतलब शुरू स्टार्ट करना नवें घर उत्ते जिसने नवें सिरों पैसा लाउणा होवे ओह हुण कच्ची भी क्यों रखे। तीन पासे दीआं कंधां पक्कीआं निकलदीआं सन इस चौथी नूं कच्ची रख के ओह मकान दी जखणा भी किवें पुट लवे। जखणा मतलब जखना मतलब बहुत खराब क्यों ना कर ले मतलब ओदिया देखो तीन जड़िया कंधा एक कमरे विच किन्निया दीवारां हुंदियां ने चार हुंदियां ने अगर वह तीन पक्की रख ले तो एक कच्ची रख ले जिहड़ी दरबारे की साइड की है वह इदा नहीं सी करना चाहता क्योंकि उन्हें हुण पैसा लाना सी नवे तरीके दे नाल नवे सिरों। ठीक है पक्कीआं कंधा उत्ते कदे चुबारे भी बन सकते हैं कच्चिया ते बोधियां कंधा दे अगे थोड़े हाथ लगे सन बोधियां मतलब वीक जिहियां। ठीक है कपूर सिंह बड़ा तंग पिया शरीक कहिंदे हुंदे ने शरीक मतलब रिश्तेदार मिट्टी का भी बुरा ओनू रह रह के दरबारे उत्ते गुस्सा आंदा पर गुस्से नाल ओह जानदा सी ओहदा कम सौरना नहीं। सौरना मतलब सरना नहीं। चाची राम कौर चन्नण सिंह चीनिया ते होर कईयां ने उन्हूं आख्या कि ओह ही दरबारे नूं जाके समझाउण पर दरबारा सी कि रस्सी दा सप बनिया बैठा सी। इहदा मतलब की हुंदा रस्सी दा सप है कि वैसे कहावत गुड जिद्दां मान लो कि सप ते असल विच घूमदा फिरदा रस्सी दा सप उहने तां उत्थे ही रहना। ठीक है मतलब उत्ते कोई किसे गल दा असर नहीं सी हो रिहा। गली गुआंढ मित्र प्यारा जद भी किसी नूं आई गई ना दित्ती तां उन्होंने सोचा एक बार फिर वह आप जाके दरबारे नूं समझावे खबरे कोई गल उहदी अकल विच ही आ जाए। अगली सवेर उन्हें दरबारे दे बूहे अगे थोड़ा ओहल के आवाज मारी ओहल के जोर नाल ते गुस्से नाल उच्ची उच्ची अंदरों कुड़ी ने दस्या कि वह हुणे पटवारी वल नूं गया है। कपूर सिंह मगरे तुर पिया उत्थे ही दो आदमियों के सामने गल करनी योग समझी मतलब चंगी समझी सही समझी। जांदे नूं अगे राम रतन पटवारी हुण पटवारी का नाम है की है राम रतन तम्मा सिंह सरपंच सरपंच का नाम की है टुंडा लंबड़दार मे बी पिंडा विच कहिंदे होणगे। ठीक है ते एक दो होर आदमी मंजिया उत्ते बैठे सन मंजिया उत्ते कौन कौन बैठे सन ये लिख लो एक पटवारी एक सरपंच ते एक लंबड़दार। ठीक है दरबारा पटवारी दी पैंद बैठा पैंद मतलब पटवारी दी पैंद ओदे नाल। ठीक है जिवें कुछ लिखवा रहा सी
कपूर सिंह ने सारिआं नूं ही सांझे मन के दरबार नूं धीरज नाल दरबारे नूं धीरज नाल आख्या भाई दरबारा सिंह कंध दा फेर हुण कीकण करना है की करना है केड़ी कंध दरबारे ने पैरां उत्ते पाणी ही ना पैण दित्ता इहदा मतलब की है गल ही नहीं सुनी उहने अणसुणी कर दित्ती तू भुल्या होया कपूर सिंह बोलिया अपनी सांझी मैनू नहीं लोड़ कंध करन दी ओपरिया वांग दरबारी ने ओदे वालों मूह फेर के हवा विच खाली झाकदिया कहा जे तेनू लोड़ नहीं तो मैनू तो है कपूर सिंह ने माणा जिहा होके बोलिया पर यह गल दरबारी दे नेड़ियों भी ना गई उन्हें होर भी रुखी तरह कहा तेनू लोड़ है तू कर लै ठीक है दो पेज क्लियर है किसी नू कोई वर्ड ना समझ लगा होए कोई लाइन ना समझ लगी होए तो पूछ लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है मैं पूछ लेना स्टोरी विच चल की रहा है अगे नेक्स्ट पेज हाँ जी उपर छत ओदे उपर होर कमरे मैं किवें कर सकदा पहला एडी बड़ी कंध कला 40 फुट लम्मी 14 फुट उची डूढ़ इट चौड़ी ए उन्हें कंध का हुलिया दस्या वो कहिंदा मैं एडी वड्डी कंध किद्दां कर लूंगा किन्नी लंबी किन्नी 40 फुट 14 फुट उची उची ते लम्मी विच की फर्क है गुड डूढ़ फुट चौड़ी डूढ़ की हुंदा डूढ़ फुट डूढ़ इट इट चौड़ी डूढ़ की हुंदा डूढ़ 1.5 छोटी चौड़ी फिर मेरे सिर आसान है मतलब उन्हें इन्निया ज्यादा उन्हें इट्टा लानिया सी 40 फुट देखो किन्ना ज्यादा हुंदा ठीक है मैनू जिम्मेवारी है तेरे काम की अटकिया अटकिया रहे अटकिया अटकिया जे तू अड़िया तो अड़िया रहे दरबारा सिर नू आया मतलब गुस्से विच आ गया उन्हें कहा कि जे तू एदा ही करनी तो तू एदा ही कर कोलों पटवारी ने हौली जी आख्या कानू बाखे चौड़े हुंदे हो मुका लो रल के बाखे चौड़े एवें क्यों लड़ी जांदे पे हो सुलह सफाई ना सारा कुछ कर लो पर सरपंच ने मलवी जीब नाल चब के टोकिया मतलब की है मलवी जीब नाल चब के टोकिया जान के नहीं हां कह सकते हो मतलब एक होंदा ना कि जो जिस तरह रुद्रा ने कहा अग लगानी मान लो कि दो परसन लड़े हुए ने ते तीसरा बोल रहा पर तीसरा थोड़ा डर डर के बोल रहा है ना उन्हें मतलब कि उच्ची दनी नहीं बोलिया थोड़ा जा जीव दे थले ही अपने जड़े वर्ड्स सिगे वो दबा ले ठीक है हाँ जी आहा अग च घ्यो पांदे काम कीता उन्हें आपां ने कानू आना विच पटवारी जी भाई भाई आपे समझणगे ठीक है कपूर सिंह सरपंच दा रुख ताड़ गया मतलब एदा वेरी गुड वो समझ गया सी रुख मतलब ओदा बिहेवियर ताड़ मतलब समझ गया सीगा अगे भी ओह कई वरिया तो ओहदे नाल लगदा हुंदा सी मतलब नहीं लगदा हुंदा मतलब ओहदे नाल थोड़ी जी ओहदी अणबण सी ठीक है ओहदे नाल वैसे ही ओह लगदा सी ओहदे नाल वैसे कदी ओहने चंगी तरह बिहेव नहीं कीता केदे नाल ए भी पूछा जा सकदा कि कपूर सिंह नाल कौन लगदा सी सरपंच या सरपंच किस नाल लगदा सी कपूर सिंह नाल लगदा मतलब नाल होना नहीं है इत्थे ठीक है दरबारे कप्पल नूं इन्हां गल्लां दी की शर्म कप्पल दरबारे कप्पल कप्पल नूं मतलब ओनू कोई असर नहीं सी हुंदा ओहदे ते मतलब ओनू इदां जे ओहदे भरा नूं कोई उकसा रहा सी ते ओनू मूरख नूं इहदी कोई संग शर्म नहीं सी हुण जे कपूर सिंह दा भाई ही सरपंच नूं ओहदे खिलाफ वरतण लई मिले तां होर ओनू की चाहीदा सी ओहने होर नरम हो के दरबारे नूं समझाउणा चाहिया
दरबारा सिया मतलब इतो पता लग रहा है कि कपूर सिंह सुलह सफाई करन विच इंटरेस्टेड सी राजी सी पर दरबारा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं सी। दरबारा सिया मैं तेनों मिन्नत नाल कहना आपा कबीलदार हाँ लड़दे चंगे नहीं लगते आ रल के कंध बनाइए तू हाँ कर जीकण कहेगा मैं ओकने मन लूंगा मतलब की रहा जिदा तुम कहोगे ओदा ही मैं मान लूंगा कंध है माड़ी दोहना नू एदा सुख है माड़ी मोड़ी कंदोड़ी हुंदी मैं तेनू कहंदा भी ना सारा भार चुकना मैनू भी औखा है तू मैनू बहुता चुका दे आपा थोड़ा चक ली एदा मतलब की है एक 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 कुछ नहीं समझ लग रही थोड़ा जिहा तू हिस्सा पा थोड़ा जिहा मैं पाना हाँ ते वो कहंदा कि ज्यादा मैं चकांगा तू थोड़े जे पैसे पा दे तो साड़ी कंध बन जूगी ठीक है। कपूर सिंह की नरमाई ने दरबारे की अड़बाई कुछ ढिली कर दी मतलब गुड जिदा मतलब उन्हें बहुत पोलाइट वे दे नाल बोलिया ते ओदे भी जड़ी आकड़ सीगी ना वह भी थोड़ी जी नीवी हो गई कुटियां ओदे मत्थे विच मीटन लगियां कुटियां ओदे मत्थे विच मीटन लगियां सोचन लग पिया जिदा आपां कई बार हुंदा ना कि साडी आपां कुछ सोचदे आपां इदां कर लैंदे आ मत्थे दीआं त्यूड़ियां वगैरा ठीक है ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਰਪੰਚ ਖੰਗੂਰਿਆ ਖੰਗੂਰਿਆ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਖੰਗੂਰਿਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਮਲੂਮ ਜਿਸ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੈਸਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰਾਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਨਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਅਨਕਾਰ ਇਨਕਾਰ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਵਰਤੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਹੇ ਚੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਫ ਵਰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਪੇਜ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਰਹਿਣ ਦੋ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਜ ਤੇ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਨੀ ਦੱਸੇਗਾ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਨਿਕਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਤਰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਛੱਤ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਫਲਾਈਨ ਬਸਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਕਜ਼ਨਸ ਬਣਦੀ ਨੀ ਅਣਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਅਟੈਚ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੰਮਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਮਾਈ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ